हेलो दोस्तों, मैं गिरधारी। आप देख रहे हैं स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए क्रैश कोर्स के अंदर इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जनवरी से लेकर दिसंबर 2020 का। वीडियो नंबर हमारा 3 है। इसकी पीडीएफ फाइल नीचे हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, उस टेलीग्राम ग्रुप से आप पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए। भारत में हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? तो दोस्तों, इसका प्रश्न राइट आंसर है डोमिनिक थीम। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर है। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संगठन DDCA ने निम्न में से किस अपना नया लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है बंदर दूरज अहमद को लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने देखेंगे। इनामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजिंग रेंज के उत्पादन के लिए किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है जूही चावला को ब्रांड एम्बेसडर रूप में नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने अपना पहला बाल अधिकार अभियान जिसे फॉर एवरी चाइल्ड के लिए किस अभिनेता को अपना सेलिब्रेट एडवोकेट बनाया गया है? दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न, इसका जो राइट आंसर है आयुष्मान खुराना को मनाया गया है। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। सामाजिक कार्यकर्ता एवं आर्य सभा के किस संस्था को 81 वर्ष में उम्र में निधन हो गए? तो दोस्तों, इस प्रश्न का नाम उत्तर क्या है? तो इसका राइट आंसर है स्वामी अग्निदेव। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने स्टार्टअप रैंकिंग में निम्न में से किस राज्य ने एक बार फिर से पहला स्थान हासिल किया है? दोस्तों, स्टार्टअप रैंकिंग के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर गुजरात ने किया है। किस राज्य सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय आय भारत का सबसे बड़ा पिग मिशन लॉन्च किया है? तो 8 नंबर राइट इसका मेघालय। क्या है आपका? मेघालय आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन से, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस निम्न में से मनाया जाता है? तो इसका सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10 नंबर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है श्री सिद्ध रुद्धा स्वामी। देखिए, श्री सिद्ध रुद्धा स्वामी रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन से, जो रेटिंग एजेंसी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश की GDP दर में निम्न में से कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? 11 नंबर प्रश्न। और दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर 9%। कितने प्रतिशत? 9% गिरावट देखने को मिली है। बॉलीवुड के किस जाने माने एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख व्यक्ति चुना गया है? तो दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर है परवेश रावल। क्या है? परवेश रावल को आर्थिक स्वतंत्र सूचकांक में भारत का 26 अंकों का नुकसान के साथ में वो कौन से स्थान पर पहुंचा है? तो उसका राइट आंसर 105 नंबर पर पहुंचा है। भारतीय भविष्य निधि यानी EPFO अपने खाता धारकों की दुर्घटना या बीमा के लिए मौत के कारण में नॉमिनेशन को कितने लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसमें 7 लाख रुपए की नॉमिनेशन कहते हैं, जैसे पति की मृत्यु हो जाती है, पत्नी को जो 7 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा EPFO के द्वारा। केंद्र सरकार ने बिहार में कितने करोड़ रुपये की लागत में मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी गई है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो 15 नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न का राइट आंसर है 971 करोड़ रुपए दिया गया है। विश्व आत्म हत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 16 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर है
10 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत सरकार और किस देश के बीच त्रिस्तरीय वार्तालाप संपन्न हुई? फ्रांस, क्या फ्रांस आपका राइट आंसर है? बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को राष्ट्र महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ दल के राजनेता के साथ विवाद मध्य में गृह मंत्रालय द्वारा वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी गई है? तो 18 नंबर प्रश्न इसका राइट आंसर है कंगना रनौत, ऑप्शन नंबर आपका ए का राइट आंसर है। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही ने लॉन मोरटोरियल की तारीख को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों लॉन के बारे में 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर 28 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने राज्य में हरियाली सुनिश्चित करने के लिए आई रखवाली मोबाइल ऐप लॉन्च किस राज्य के अंदर किया गया है? तो ये राज्य पंजाब राज्य के अंदर किया गया। कहा गया क्या? पंजाब। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निम्न में से किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो दोस्तों आज जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो किस पुरस्कार को लिए नॉमिनेट किया गया, तो उसका जो राइट आंसर है नोबल शांति पुरस्कार के लिए डोनाल्ड ट्रंप। ईपीएफओ के पिछले वित्त वर्ष में निम्न में से कितने प्रतिशत ब्याज की 2 किस्तें देने की घोषणा की है? तो 22 नंबर इसका राइट आंसर 8.5%। अमरीकी कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेलर में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी 7,500 रुपये की में खरीदी है? तो दोस्तों इस जो 23 नंबर प्रश्न है, इस 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर 1.7% में। इंग्लैंड का निम्न में से कौन सा खिलाड़ी जिन्होंने आईसीसी टी20 क्रिकेट में रैंकिंग में पहले स्थान पर है? तो इसका जो राइट आंसर है डेविड मलान जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। हाल ही में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर को फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने एवं अपने संन्यास को तोड़ने के लिए बीसीसीआई को एक चिट्ठी लिखी है? तो दोस्तों ऐसे खिलाड़ी का नाम आपको बताना है कि इस खिलाड़ी का नाम क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस प्रश्न को वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। तो इसका राइट आंसर है वो है युवराज सिंह। कौन है? युवराज सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2020 को किस राज्य के स्टीव वेडन्स के साथ स्वनिधि संवाद किया? तो दोस्तों 26 नंबर प्रश्न, इस 26 नंबर प्रश्न का मध्य प्रदेश क्या? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस देश की सरकार ने सोशल मीडिया में फर्जी सूचना एवं अफवाह फैलाने से लड़ने हेतु असोल चीनी या रियल शुगर नाम का एक अभियान शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर बांग्लादेश। किसके द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सिरेमिक उद्योग को गैस बल में कितने प्रतिशत रियायती देने की घोषणा की है? 28 नंबर प्रश्न, इसका 16%। अगला क्वेश्चन है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार कृषि, देखिए नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार केंद्रीय कृषि ने 5 वर्ष में सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत कितने हेक्टर भूमि कवर करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका है 100 एकड़ भूमि के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है त्रिपुरा में सिहा सीपी हिलिया के सोरनपुर में किस जिले के साथ में अपने अंतर्देशीय जो जल मार्ग खुला है वो है? देश का नाम बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश आपका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एयरपोर्ट का पहला भगवान श्री राम ने अपने नाम पर करने वाले की घोषणा की है? तो दोस्तों जो अयोध्या सरकार यानी यूपी सरकार के द्वारा किया गया, इसका अयोध्या एयरपोर्ट, क्या अयोध्या एयरपोर्ट नाम रखा जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से किस टीम ने आईसीसी रैंकिंग में पहले पायदान पर जा पहुंचे? 32 नंबर प्रश्न ही ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आईसीसी टी20 रैंकिंग में पहले स्थान पर है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन सा बन गया है?
तो इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश। कौन सा बना है नाम? हिमाचल प्रदेश ने ये लागू हो गया है। कौन सी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी गई है? अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल निम्न में से कौन सा खिलाड़ी जिसमें 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्या? क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपका राइट आंसर है। हाल ही में किस तेलुगु फिल्म अभिनेता का दिल में दौरा पड़ने से 74 उम्र में निधन हो गया? 34 नंबर प्रश्न, इसका जो राइट आंसर है वो है जय प्रकाश रेड्डी। क्या है? जय प्रकाश रेड्डी आपका राइट आंसर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जय प्रकाश रेड्डी। हाल ही में किस देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया गया है? तो दोस्तों रूस के द्वारा। किसके द्वारा? रूस ने कोरोना का टीका आम जनता के लिए खोल दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। खाद्य नियामक भारत, भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण जिसे FSSAI ने स्कूल परिषद में कितने मीटर के दायरे में स्कूल कैंटीन खोलने के अंदर जिंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगा दी गई है? वो 50 मीटर। कितने मीटर? 50 मीटर के ऊपर लगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है? एक आपका राइट आंसर है। भारत निम्न में से किन देशों के साथ 5G तकनीक पर काम करेगा? 5G दोस्तों वर्तमान में 4G या 5G भी आएगा। इजराइल और अमेरिका के साथ में, इजराइल और अमेरिका के साथ में। केंद्रीय कृषि और कल्याण, देखिए भारत केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कितने राज्यों में 22 बांस समूह लॉन्च किया गया है? तो 9 राज्य। कुल कितने राज्य? 9 राज्यों के अंदर है। और आज का अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, RBI के निर्देशक के मुताबिक प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र के निवेश के लिए योग्यता स्टार्टअप द्वारा प्राप्त की अधिकतम राशि पूछा गया 50 करोड़ रुपए। कितने? 50 करोड़। तो अगर आपको PDF नहीं मिलती तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 94 61 0 41 363। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में देते रहें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।